हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस की ये जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आज इसका ये चौथा एपिसोड है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जो आरआरबी जेई 2019 में पूछे गए थे। और ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी यहाँ पर ये जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, जेई का, टेक्नीशियन का, वैसे एग्जाम आ नहीं रहे हैं, काफी लेट हो गया, लेकिन अभी तक किसी का भी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल नहीं रहा है, पर ठीक है। बट ये जितने भी एग्जाम है इनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनियन इज अ, ये जो प्याज है एक डैश है, क्या है प्याज? तो प्याज एक भूमिगत तना है जिसके मॉडिफाइड फॉर्म को हम बल्ब कहते हैं, कंद कहते हैं। सो ये बी आंसर हमारा करेक्ट है, बल्ब होता है प्याज। इसका एडिबल पार्ट, जो खाने वाला भाग होता है, इसे हम बल्ब कहते हैं। साथ ही साथ आप और भी चीजें ध्यान में रखना, जो भूमिगत तना होता है इसके टोटल चार टाइप होते हैं। यानी जब ये मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, इसके मॉडिफाइड फॉर्म को हम चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक आपका बल्ब यानी कंद कहलाता है, दूसरा ट्यूबर, तीसरा राइजोम और चौथा कॉर्म कहलाता है। अगर आपसे पूछे प्याज और लहसुन क्या है तो ये आपको बताना है ये कंद है। अगर आपसे पूछे आलू क्या है, पोटैटो क्या है, तो ये आपका ट्यूबर यानी स्तंभ कंद होता है। अगर आपसे पूछे हल्दी और अदरक क्या है, तो ये भी भूमिगत तना है, लेकिन इसका मॉडिफाइड फॉर्म राइजोम यानी प्रकंद कहलाता है। और अगर आपसे पूछे जिमीकंद, बंडा या अरबी, ये क्या है, तो ये भी भूमिगत तने हैं, लेकिन इनका जो मॉडिफाइड फॉर्म है ये कॉर्म यानी घन कंद कहलाते हैं। तो अगर आप इन चारों को याद रखते हो और इनके ये केवल एग्जाम्पल्स याद रखते हो, तो अक्सर करके इनसे क्वेश्चन बन जाता है। आगे है, द आउटर मोस्ट फाइबरस कोटिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड, यानी डैश आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। तो आंख की सबसे बाहरी फाइबरस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ये जो आप अपनी आंखों में व्हाइट कलर का पार्ट देखते हो ना, इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं हिंदी में, तो दिख भी रहा है हिंदी में, स्क्लेरा कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको आंखों में यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट कलर का पार्ट, लेकिन अगर आप इसको और भी डीप में देखो तो ये जो आपको सबसे बाहरी पार्ट दिख रहा है, बाहरी लेयर दिख रहा है, ये आपका क्या है? स्क्लेरा है, राइट। और वहीं पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारी आंखों का सबसे कलरफुल पार्ट कौन होता है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका सबसे कलरफुल पार्ट होता है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग कलर हो सकता है, बट इसे हम क्या कहते हैं? आयरिश कहते हैं। तो ये जो आयरिश वाला पार्ट है, आयरिश वाला पार्ट, ये हमारी आंखों का कलरफुल पार्ट होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये कोरोइड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए, आपके शरीर के हर भाग तक ब्लड गया होता है, राइट? ब्लड गया होता है तो आंखों में भी तो ब्लड जाएगा ही किसी ना किसी तरीके से, तो ये कोरोइड के थ्रू ही जाता है। इस कोरोइड से ही हमारे ब्लड वेसल्स गए होते हैं, ठीक है? इस कोरोइड से ही हमारे ब्लड वेसल्स गए होते हैं। अब ब्लड वेसल्स अगर जा रहे हैं तो उसमें ब्लड जाएगा, और ब्लड में आपके ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज वगैरह होगा, है ना? तो अगर आपसे पूछे कि हमारी आंखों को ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज या फिर सिंपली कह लो कि न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कौन प्रोवाइड करता है, तो ये कोरोइड होता है। ये कोरोइड कहाँ पर है? तो ये कोरोइड देखिए आंखों में, ये जो आपका स्क्लेरा था सबसे बाहरी पार्ट, और ये जो आपका रेटिना है जहां पर इमेज बनता है, इसके ठीक बीच वाला लेयर है। तो इसका स्थान कहाँ होता है? रेटिना और स्क्लेरा के बीच में, ये जो आपका बीच वाला लेयर है ये कोरोइड है, जिनमें आपके ब्लड ब्लड वेसल्स आए होते हैं, जिसमें आपका खून, जो आपका ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है इस कोरोइड वाले हिस्से में। तो ये आप ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में तो आउटर मोस्ट जो हमारा फाइबरस कोटिंग था उसे हम स्क्लेरा या फिर श्वेत पटल कहते हैं। आगे है कि व्हाट आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी समरूप गुणसूत्र, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या हैं? तो देखिए, ह्यूमन में टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, बट इसमें भी 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, राइट? इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट? तो ये जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं ये आपके होमोलॉगस होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ी आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये मेल में आपको पता है कि एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स होता है, तो ये आपके होमोलॉगस नहीं होते हैं। बाकी ये जो ऑटोसोम होता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, यानी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है? यह आपको पूछा गया है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो जब भी आप
पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारे के सारे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे आप कोई एक पीरियड ले लो, जैसे दूसरा पीरियड जो आपका है, इसमें आपका मेनली आप इनको केवल ले लो, बकनोफनी को, यानी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन और नियान, ये जो बकनोफनी है, इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ऐसे ही जब आप पीछे जाओगे तो उतना कम होता जाता है, एफिनिटी भी ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसका ज्यादा होता है इनके कंपेरिजन में जो इनके पीछे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो एटॉमिक रेडियस होता है ये आपका घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि देखिए जो भी आपका एलिमेंट होता है इनके एटम में, इनके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा, जैसे ये 5 है, 6 है, 7, ये 8 और 9, तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ गए तो ये इनके जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो साइज है, इस एलिमेंट का जो साइज है वो क्या होगा? कंप्रेस होगा और छोटा होगा। तो जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे उसका, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस इनका क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है ये केवल एक पीरियड की बात हो रही है, आप किसी दूसरे में जंप मत करिएगा। तो सी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है, यही केवल डिक्रीज होता है, बाकी सब तो इंक्रीज होता है। आगे है कि वाई आर लगेजेस फिटेड विथ रोलर्स, यानी लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, तो आसान सा हो गया आपको कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही स्लाइडिंग एक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग, और एक आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, ये सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ये जो लगेजेस लगाया था इसमें जो व्हील्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, एंड रोलिंग मेक्स मूवमेंट स्मूथ एंड इजी। सो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज, तो रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है? तो ये तो बचपन की चीजें, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इस वजह से इसके नीचे नहीं सोना चाहिए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज टू रिड्यूस रिवर्ब्रेशन, यानी इनमें से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है? अभी हमने बहुत पहले लेक्चर में देखा था कि जो रिवर्ब्रेशन है ये क्या है? साउंड का रिफ्लेक्शन है, साउंड का रिफ्लेक्शन है। जैसे इको होता है, ये इको से भी जबरदस्त होता है, यानी इको में तो आपको स्पष्ट रिफ्लेक्शन सुनाई देता है, लेकिन रिवर्ब्रेशन में इतना तेजी से साउंड रिफ्लेक्ट करता है कि अभी आपका एक वर्ड खत्म नहीं हुआ कि दोबारा वही वर्ड आपको दोबारा सुनाई दे देता है, दोबारा से सुनाई दे देता है। ऐसे ये अक्सर करके किसी बड़े हॉल में या ऑडिटोरियम वगैरह में होता है ये जो रिवर्ब्रेशन है। तो इसको कम करने के लिए हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज करते हैं, ये हमने देखा था। लेकिन इनमें से वो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल कौन हो सकता है? देखिए, सेरेमिक या फिर ग्लास या फिर आयरन, अगर आप इनको यूज करते हो किसी भी बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होंगे और रिवर्बरेशन आपका रहेगा। लेकिन अगर आप कंप्रेस्ड फाइब्रिक बोर्ड का यूज करते हो आप अपने हॉल को बनाने के लिए, उनके दीवारों को बनाने के लिए, तो या ये साउंड एब्जॉर्बेंट होते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे। तो संपीड़ित फाइबर बोर्ड या फिर कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ये डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, वॉट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एक आपतित किरण एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण बताना है हमको। यहाँ पे आप जल्दबाजी मत करना कि 30 डिग्री दिया है इंसिडेंट रे और आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे आपने बता दिया कि भैया इंसिडेंट जो रे होता है वो किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। ये वाला एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ो, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है, ये आपका जो प्लेन मिरर है इस सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ना कि ये जो इस पे परपेंडिकुलर है इसके साथ। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है, ये थोड़ा और नीचे बनाना होगा, लेकिन आप समझने के लिए देख ही रहे हो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये जो रे होता है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट इंसिडेंस एंगल, और ये जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती से आप इसको 30 डिग्री पढ़ करके कि हाँ चलो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने 30 डिग्री मार दिया। क्योंकि मैंने गलती करी थी इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले नज़र में जब इसको पढ़ा तो मेरे मेरा नज़र 30 डिग्री पे ही गया था, राइट। 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसीज इज फुलफिल्ड बाई गोल्डन राइस, यानी निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है। तो गोल्डन राइस में कौन से विटामिन होती है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, राइट, या फिर आपका बेकिंग सोडा हो, या फिर वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा बोले तो Na2CO3, या बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको बनाने के लिए पूछ रहा है कौन से साल्ट की जरूरत होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड, राइट, NaCl, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी निम्नलिखित में से किस अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं। तो ये जितने भी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर्स दिख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो या प्लाज्मा हो, इनमें जो सबसे ज्यादा सुपर एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल्स होता है वो प्लाज्मा होता है। एक्चुअली प्लाज्मा ऑलरेडी अपने आयनाइज स्टेट में होता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा फ्री होते हैं इन कंपेरिजन टू दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। और अब तो एक पांचवा स्टेट भी आ गया, आपको पता है, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से होता है। बट यहाँ पर इन ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है वो आपका प्लाज्मा है। सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो ये आपका है क्वाइटर घेंघा, ये पहला आंसर हमारा करेक्ट है घेंघा रोग के लिए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर्स एन एनिमल फॉर फाइट, सॉरी फ्लाइट, यानी उड़ने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये जानवरों में उड़ने की क्षमता को सीधे नियंत्रित नहीं करती, लेकिन यह एक एड्रिनलिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है जो शरीर में ऊर्जा और तत्परता बढ़ाने में मदद करता है। उड़ने वाले जानवरों में उड़ान से पहले या उड़ने के दौरान ऊर्जा को तेजी से उपयोग के लिए ऐसे हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये कौन से हार्मोन्स के थ्रू, एड्रेनलिन हार्मोन्स के थ्रू होता है, और आपको पता है कि ये आपका एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। तो इस हिसाब से डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि जानवरों में उनको उड़ने के काबिल बनाता है, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कार्बन जो कंपाउंड होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, राइट। यानी ये डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बोथ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि जो कार्बन होता है इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि किसी दूसरे भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, फिर कोई भी जो एटम आपका आएगा उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उतने ज्यादा फ्री नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये लूजली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स उतना फ्री नहीं होते हैं, ये कोवेलेंटली बॉन्ड से बंधे होते हैं, जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो बोथ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच इनग्रेडियंट मेक्स ब्रेड फ्लफी, यानी कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है। तो ये यीस्ट होता है, खमीर होता है, ये ब्रेड को फूली हुई बनाती है। आगे है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। जब भी कोई आपको एसआई यूनिट निकालने के लिए दिया जाए, वो भी किसी के रिलेटिव हो, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होते हैं। सो नो यूनिट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी के रिलेटिव मतलब न्यूमरेटर में भी वही रहेगा और डिनोमिनेटर में भी वही क्वांटिटी रहेगी, तो उनका जब यूनिट सेम है तो
तो वो दोनों तो कट जाएंगे, फिर कोई यूनिट बचा ही नहीं, सो नो यूनिट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द हैलोजन्स इज, अब हैलोजन्स में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो जो आपका हैलोजन ग्रुप है, जिसे हम 17th ग्रुप कहते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो आपका फ्लोरीन होगा, क्योंकि यही आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या कह लो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये किसी भी एटम को देखेगा, ऑक्सीजन को देखेगा या फिर किसी भी एटम को देखेगा, तो उसके साथ जल्दी से जल्दी आ, आ, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि इसकी साइज अभी हमने देखी थी कि छोटी होती है, इवन न्यूक्लियस में इसके ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये चाहता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो ये चाहता है कि कहाँ से मुझे कोई मिले और जल्दी से मैं उसका इलेक्ट्रॉन खींच लूँ अपने पास। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन है आपका? फ्लोरीन है। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है, विच लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया इन ह्यूमंस? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब यहाँ पर दूर दृष्टि दोष से है, राइट? और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप इसको याद करना, दूना। डी फॉर दूरदृष्टि दोष, ये हिंदी के लिए है, और एन फॉर निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यहाँ पर यू फॉर क्या है आपका? उत्तल लेंस, और ए फॉर क्या है? अवतल लेंस, राइट? तो यहाँ पर आपका दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है, तो इसके लिए उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस। आगे है, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज रूमेटिज्म अफेक्ट, यानी गठिया, जिसे रूमेटिज्म कहा जाता है, गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, सुना सुना सा आपको नाम लग रहा होगा, तो ये आपका ज्वाइंट यानी जोड़ों को प्रभावित करता है, ये अधिकांशतः वहां पर दर्द देता है जहां पर जोड़ होते हैं। आगे है, विच आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस? तो परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था? तो ये चुना गया था कार्बन 12 को, कार्बन 12। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग, एल्युमिनियम फॉयल को हम किस चीज को लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये तो सबने किया होगा, फूड आइटम आपका करेक्ट आंसर है, खाद्य वस्तुएं। इसकी खासियत ये होती है कि इससे जो आपका भोजन होता है, जो खाना होता है, उसमें नमी एंटर नहीं करती है, राइट? और साथ ही साथ जो इसकी गर्माहट रहती है वो बनी रहती है काफी लॉन्ग टाइम तक। इवन जो ये आपका फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल, इसको आप किसी भी शेप में लपेट सकते हो, है ना, जैसा भी शेप मनचाहा चाहो। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर नमी एंटर नहीं कर रही है इसमें, वैसे ही इसके बाहर इसकी जो खुशबू है, जो खाने की खुशबू होती है, वो भी बाहर नहीं जा पाती है, तो ये इसको रोकता है, चाहे नमी को अंदर आने से, चाहे इनकी खुशबू को बाहर जाने से। अदरवाइज आप कहाँ कहीं पर बैठे हो और आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको आपके खाने की खुशबू जा रही होगी, तो यहाँ पर फूड आइटम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉयल का जो यूज करते हैं हम रैप करने के लिए फूड आइटम का। विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी? तो कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम RBC का होता है, पहला आंसर हमारा करेक्ट है। एसिड्स आर डैश इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, राइट? बी आंसर हमारा करेक्ट है। अगर वहीं पर बेस पूछा होता, ये जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये बेटर, राइट, यानी कि कड़वे होते हैं, जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे यानी कि बेटर होते हैं। आगे है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड डू बुलेट्स ट्रेवल? गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करती हैं? तो जो बुलेट्स होते हैं, आमतौर पर जो हैंड गन होते हैं, जो रिवॉल्वर वगैरह हो गए, अगर आप इनको देखो सिंपली, मतलब इनका अगर एग्जांपल ले लो, तो इनकी जो स्पीड होती है वो सुपर सोनिक होती है। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, राइट? परा ध्वनिक, सुपर सोनिक का मतलब जिसका स्पीड साउंड से भी ज्यादा हो, ठीक है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो। एक सेकेंड बस, बैटरी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सुपरसोनिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराध्वनिक, जो स्पीड होती है बुलेट की वो सुपरसोनिक होती है। आगे है, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज N2 1 इज गिवन बाय विच फार्मूला?
तो पहले माध्यम यानी एन टू वन के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो आप इसको भी फिलहाल में भूल जाओ, एन टू वन क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप बस इतना देखो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर आपको चाहिए तो आप दो मीडियम ले लो, मैं एक ग्लास ले लेता हूँ एक एयर ले लेता हूँ, राइट। अब देखो इस ग्लास को मैं फर्स्ट मीडियम मान रहा हूँ, एयर को मैं सेकेंड मीडियम मान रहा हूँ। अब हमसे क्या पूछा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी हमको जिसका भी पूछा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो ये एयर हो गया, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पर एन ए लिख रहे हैं, राइट। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो पहला मीडियम मैंने ग्लास को माना है तो यहाँ पर मैं ग्लास लिख रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ एन जी। तो ये आपको निकालना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको पता है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के उस मीडियम में। जैसे अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ है तो वहां पर स्पीड जो होगी इस लाइट की कम हो जाएगी, तो ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पर जब आप लिखने जाओगे जो आपका फार्मूला एन ए अपान एन जी, तो आप क्या लिखोगे, ठीक इसका जो स्पीड है यानी एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, वी ए लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर जो एन जी है यानी ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसको भी आप इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, तो ये आपका वी जी हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ठीक उल्टा हो जाएगा यानी वी जी ऊपर चला जाएगा वी ए नीचे रह जाएगा, तो वी जी अपॉन वी ए आ जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर जो जी है ये आपका पहला मीडियम है और ये जो एयर है ये आपका दूसरा मीडियम है यानी वी वन अपॉन वी टू, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सिंपली जो पूछा गया उसको एक बार पढ़ो और स्पीड ऑफ लाइट से इनका रिलेशन देखो। हैमर एनविल एंड स्टीरअप आर बोन्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कई बार हम लोग देख चुके हैं ये हमारे मिडिल ईयर में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं या मध्य कर्ण में। आगे है द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज अ ट्रांसमीटर ऑफ, तो मादा एनाफिलीज मच्छर किसकी संवाहक है, तो ये मलेरिया को फैलाने का काम करती है, राइट। ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है जो कि जिसमें जो पैरासाइट्स होता है उसको एनाफिलीज मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये उड़ा करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर के जाती है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आप स्किप हो जाइए। आगे है ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेंस, हरे शैवाल में डैश होता है, हरे शैवाल में क्या होता है इनमें से, लाइसोसोम माइटोकांड्रिया या फिर थायलेकॉइड मेम्ब्रेन या फिर आपका गोल्जी बॉडीज। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जो आपके होते हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट, साइनोबैक्टीरिया, इनमें आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी थैलेकॉइड झिल्ली होती है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, राइट। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आगे है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो रेजिस्टेंस बोले तो आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल बाई ए, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और रेजिस्टिविटी पर, हालांकि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स होती है। तो आप देख लो यहाँ पर थिकनेस ऑफ द कंडक्टर यानी कि थिकनेस बोले तो अगर वायर इतना मोटा है तो अगर ये इतना पतला हो गया तो ऑब्वियसली इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यही बात कर रहा था मैं, रेजिस्टिविटी ये इसके नेचर को बताता है और ये हर मटेरियल का फिक्स होता है कि इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, राइट। तो ये उसका नेचर हो गया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस पर डिपेंड कर ही रहा है, तो बेसिकली ये जो थिकनेस था ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ही डिनोट कर रहा था, तो सब पे डिपेंड कर रहा है, ऑल ऑफ द ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर रेस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 8 आर, यानी परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व की समूह संख्या और आवर्त संख्या क्रमशः डैश है। तो यहाँ पर आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पूछा है और 8 एटॉमिक नंबर दे ही दिया है जब, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सेल में 2 नंबर ऑफ सेल होंगे, पहले सेल में 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सेल 2 हैं तो ये जो नंबर ऑफ सेल हैं यही क्या बताते हैं, जो नंबर ऑफ सेल हैं ये बताते हैं नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, ये पीरियड नंबर को बताते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पीरियड नंबर कितना है, 2, राइट, जो कि आपके तीनों ऑप्शंस में दिख रहे हैं। अब ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आप लिख लो बकनोफनी, बकनोफनी, राइट, ये जो आपका है
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, बक, नो, फनी। अब यहाँ पर जो आपका नियॉन है, ये आपका सबसे लास्ट यानी 18th ग्रुप है, जिसे हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस जिसमें आती हैं। और ये जो फ्लोरीन है, ये आपका 17th ग्रुप है, जो कि आपका हैलोजन ग्रुप कहलाता है। अब उसके पहले ही आपका आ जाएगा ये 16th ग्रुप, जो कि ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, तो ये आपका किस ग्रुप में आ रहा है, 16th ग्रुप में आ रहा है। तो 16th ग्रुप और सेकेंड पीरियड में ये आपका आएगा एटॉमिक नंबर 8 वाला एलिमेंट। सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेस विथ वैलेंसी। तो वैलेंसी के साथ साथ यानी संयोजकता के साथ साथ कौन सा इनमें से प्रॉपर्टी, कौन सा गुण बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो वैलेंसी है वो किस किसको अफेक्ट करती है, तो ये आपके इक्विवेलेंट वेट को इफेक्ट करती है। जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास कह लो या फिर आप मॉलिक्यूलर मास कह लो। मॉलिक्यूलर मास तब होता है जब काफी सारे मतलब एक से अधिक एलिमेंट्स हो जाए, मतलब एक कंपाउंड बना ले, तब अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसका हम एटॉमिक मास देखते हैं। अब इसके अपान होता है वैलेंसी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वैलेंसी। तो वैलेंसी देखिए आपका इन्वर्सली रिलेटेड है इक्विवेलेंट वेट से, तो अगर वैलेंसी चेंज होता है तो इक्विवेलेंट वेट चेंज होगा। बाकी जितने डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर है, इनका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है वैलेंसी से। सो इक्विवेलेंट वेट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तुल्यांकी भार है ये चेंज होता है वैलेंसी के साथ। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। अब केमिकल रिएक्शन वो होंगे जिनमें कोई केमिकली चेंज आएगा। जैसे देखो आप यहाँ पर, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अगर आप हाई टेम्परेचर पर एयर के प्रेजेंस में कॉपर वायर को हीट करते हो तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, कॉपर हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। ये आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखो कि एक केमिकल चेंज हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। आगे है कि मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी कि आइस को अगर आप मेल्ट करते हो और वो पानी बन जाता है, तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज आया। बस ये एक फिजिकल चेंज आया कि इसका जो स्टेट था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर केवल एक इसके स्टेट में चेंज आया, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है। ऐसे ही स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन है गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में अगर आप ऑक्सीजन गैस को स्टोर करते हो तो इसमें भी कोई ऐसा चेंज तो आ नहीं रहा है केमिकली, सिंपली वो स्टोर हो जा रहा है। बाकी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इसमें भी कोई आपका केमिकल चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, बस सिंपली जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और ये सारे के सारे आपके फिजिकल चेंज हैं। बचा केवल जो पहला वाला ऑप्शन, ये आपका इसमें केमिकल चेंज हो रहा था, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ जिंक। अब इनमें से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है। देखिए ये आपका होता है कैलेमाइन, कैलेमाइन ये आपका ओर है जिंक का, जिंक का, राइट। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट है। ये जो डोलोमाइट है ये क्या है, ये आपका कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जैसे इनका एक मिनरल है, राइट। और वहीं पर ये जो हेमेटाइट है, हमसे भी आपको पता चल रहा है जो नाम में लिखा गया है कि ये आयरन से थोड़ा रिलेटेड लग रहा है, तो ये किसका अयस्क है, Fe2O3, राइट, फेरिक ऑक्साइड हो गया। और ये जो आपका क्रायोलाइट है, ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, राइट, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर जो कैलेमाइन है ये आपका जिंक का अयस्क है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, राइट। जो क्रायोलाइट है ये एल्यूमिनियम का हो गया, जो हेमेटाइट है ये आयरन का, और डोलोमाइट जो है ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनका अयस्क है, राइट। ये आप कह लो सिंपली कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे है, वेयर इन द बॉडी आर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड। तो शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, ये बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। जबकि वहीं पर जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उनमें अगर हम बात करें तो लीवर में, ठीक है, लीवर या फिर स्प्लीन, जो प्लीहा होता है, वहां पर ये ब्लड बनता है। तो बोन मैरो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है, हाउ विल द इमरजेंट रे बी आफ्टर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। यानी कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी। देखिए ये जो आपका इमरजेंट रे होगी ग्लास स्लैब से निकलने के बाद, यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद
अगर मैं एक ग्लास ले लूँ और उस ग्लास में थोड़ा सा मैं अगर कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर, तो अगर ये रे ऑफ लाइट को आप ऐसे पास करा रहे हो, राइट, ऐसे पास करा रहे हो, तो ग्लास से निकलने के बाद देखिए, जब तक ये ग्लास में एंटर करेगी तो ये रेयर से डेंसर में जाएगी, और आपको पता है रेयर से डेंसर में जाने पर रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, जो नॉर्मल है ये झुकी, लेकिन फिर जब ग्लास से बाहर निकली तो ये डेंसर से फिर से रेयर मीडियम में गई, तो ये आपका नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। लेकिन जो आपकी इंसिडेंट रे थी वो उसका जो पाथ था वो तो कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा था, तो और ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये कुछ इस तरीके से जा रही है तो ये इसके पैरेलल लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल होगी लेकिन थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्निवोरस प्लांट, अब इनमें से बताइए कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। तो मांसाहारी जो पौधा यहाँ पर है ये आपका जो पीचर प्लांट है या फिर जो वेनस फ्लाई ट्रैप या सेंड्यूस, ये सारे के सारे ही मांसाहारी पौधों की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली ये जितने भी कीट वगैरह हो गए, इवन ये जो आपका सेंड्यूस होता है ये तो मेंढक तक को अपने अंदर समाहित कर लेता है, पचा लेता है, तो ये पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम मांसाहारी पौधे कहते हैं। ये आपका क्या है, पीचर प्लांट वाला पौधा है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, इसमें ये जितने भी कीट वगैरह हो गए उनको अपने अंदर समाहित कर लेता है, खा जाता है आप कह लो या पचा लेता है, और ऐसे ही आपका जो विनस फ्लाई ट्रैप है ये भी एक मांसाहारी पौधा है जो कि अपने अंदर आए हुए जो भी कीट वगैरह हैं इनको निगल लेता है आप कह लो सिंपली, राइट। तो यहाँ पर जब सारे के सारे मांसाहारी हैं तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये सबको पता है एरिस्टोटल, अरस्तु, डी आंसर हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, सॉरी, इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये आपका क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट, ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये आपका रहा, जैसे कि ये जो लाइट आपका आ रही है तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है इसका जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो, अगर हम बात करें तो इसका अगर हम लोग साइन ले लें तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। आगे है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेस, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, व्हाट इज द सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द थाई ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर के जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, ये आपको पता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। मोल इज अ हाइब्रिड डिराइव्ड बाई क्रॉसिंग, तो खच्चर, खच्चर आपने नाम सुना है, जो मोल है ये कह रहा है डैस के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। देखिए जो मोल होता है, खच्चर होता है, एक्चुअली ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉसिंग से होता है, यानी इनकी एक संकर प्रजाति है ये जो मोल है, खच्चर, इसी वजह से इसके अंदर जो डंकी होते हैं और जो घोड़ा होता है इन दोनों का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ये जो खच्चर है इसमें मेल यानी नर गधा और मादा घोड़े का ये एक संकर प्रजाति है। आगे है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। अक्नोफनी आप याद रखो जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, और साथ ही साथ आप याद रखो अलसी पी एस कलर, अलसी पी सॉरी अलसी पी एस कलर, अगर ये आपको पता है, देखिए अलसी पी एस कलर, तो आपको इनमें से अगर किसी का भी पता है तो आप सबका बता सकते हो, जैसे आर्गन का आपको 18 पता है, या एल्युमिनियम का 13 पता है, बोरान का अगर 5 पता है तो आप आगे लिखते चले जाओ 6 7 8 9 10, या फिर एल्युमिनियम का 13 पता है तो 14 15 16 17 18, वैसे भी ये सिंपल सिंपल ही आपको पता होगा, तो सल्फर का 16 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई ग्लूकोमा, तो मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है, तो ये आंखें, आंखें हमारी ग्लूकोमा से जो प्रभावित होती है ये आंखें हमारी हैं, राइट, डी आंसर हमारा करेक्ट है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज, ये जो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है ये क्या है, ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ये प्योर फॉर्म होता है एसिटिक एसिड का, तो 100% एसिटिक एसिड फ्री ऑफ वाटर यानी पानी से मुक्त,
ये 100% एसिटिक अम्ल होता है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ध्यान में रहे ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, ये प्योर फॉर्म है एसिटिक एसिड का। आगे है यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल इज फॉर व्हाट पर्पस। तो साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये क्या मतलब सिंपल सा सवाल है सब, कि हम लोग इसका यूज करते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी जो भी बाइसिकल है या फिर जो भी ऑटोमोबाइल है ये रुक सके, राइट। आगे है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय। तो डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। बी आंसर हमारा करेक्ट है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का ये प्रपोज किया गया था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, सेकेंड हो जाएगा। आसान से सवाल है, मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो आपका, ये आपका होता है 1/ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, ये सब आपको पता ही है, सेकेंड इसका होता है। आगे है व्हाई डज अ कॉर्क फ्लोट इन वाटर व्हाइल एन आयरन नेल सिंक्स, यानी कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए किसी दूसरे शिफ्ट में दूसरे तरीके से, इस शिफ्ट में दूसरे तरीके से बस घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपका कॉर्क होता है, जो कॉर्क है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसी वजह से ये पानी पर तैरता रहता है। तो देख लो ड्यू टू कार्क फ्लोटिंग और ड्यू टू सेम फोर्स या डियर ड्यू टू डिफरेंस इन दियर डेंसिटीज, ये डी आंसर हमारा करेक्ट है, उनके घनत्व के अंतर के कारण, यानी घनत्व इसका कम होता है इसका ज्यादा होता है, इस वजह से ये पानी पर तैरता रहता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो ये आज का रहा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, तो ये मुझे नहीं पता है, ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एकल आवृत्ति की ध्वनि है, नोट शोर या ध्वनि की विशेषता या गुण या सुर, तो ये आपको बताना है। ठीक है फिर यहीं तक करते हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए, नहीं आया करे तो कोई बात ही नहीं है, बट आप इसको लाइक करा करिए, अगर शेयर कर सको तो किया करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है बट लाइक कर दिया करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।